आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आपको झूठ पे शर्म नहीं आ रही? आप पिज़्ज़ा जी और आपके ये दोनों के दोनों जो गेस्ट बैठे हैं, राइट, दोनों के दोनों बच्चा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पत्थरबाजी करते हैं या इनके घर के कितने बच्चे सब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में और उधर MBBS करा रहे होंगे या उनको पाकिस्तान की सर्विसेज में भेज रहे होंगे? कि आपकी आपकी 4 लाख फौज बलूचिस्तान में क्या कर रही है? क्यों है 4,10,000 फौज है? अपनी आर्मी से पूछिए कितनी फौज है। ऐसा तो हमने देखा ना, आपके TLP का प्रोटेस्ट हुआ तो मशीन गन से आपके पुलिस वालों को मार दिया गया। पैलेट गन्स यूज होती है, बच्चों की आंखें छीन ली, बच्चे करते क्या है उसमें? पैलेट गन आर्मी घर के अंदर या पुलिस घर के अंदर जाके बच्चों को नहीं मार रही है, वहां पे वो पत्थरबाजी हो रही है वहां मारती है। बच्चे करते क्या है वहां पे, क्यों जाते हैं बच्चे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का प्रोपोगंडा कश्मीर को लेकर कोई ढका छुपा नहीं है। आजकल इंडियन आर्मी कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई है, तो बॉर्डर के दूसरी तरफ लोगों को आग लगी हुई है। पाकिस्तान से भेजे आतंकवादियों का आजकल सफाया जो हो रहा है, पिछले दिनों कश्मीर में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरों का निशाना बनाया था, उसमें चाहे मजदूरी करने आया मजदूर हो या फिर स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो। तब पाकिस्तानी मीडिया इन खबरों को सामने नहीं लाता है, ना ही पाकिस्तान मीडिया में इन बेगुनाह लोगों की हत्या की खबर आती है। मगर जैसे ही पाकिस्तान के पाले गए आतंकवादियों की सफाई होना शुरू होता है तो पूरे का पूरा पाकिस्तान मीडिया की छाती पीट कर रोने लगता है, जैसे AK-47 हाथ में लेकर कश्मीर मासूम लोग हैं। रोहित जी ने इस डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को अच्छे से बजाया है, तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से हैदरपुरा में 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए थे। शोहदा में कश्मीरी ताजिर अल्ताफ अहमद भी शामिल हैं। जहां तक आप इस एनकाउंटर की बात कर रही हैं, इसमें 4 लोग मारे गए थे, 4 में से 2 पर जिनकी बॉडी आज एग्जीम की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस एक्शन लिया उस पर, लेकिन 4 में से 2 पे। बाकी 2 कौन थे? बाकी 2 टेररिस्ट थे, 2 टेररिस्ट थे। ये उस पर कोई वो नहीं है, राइट, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को, सबके सब मान रहे हैं हाँ वो 2 टेररिस्ट थे। नाउ एनकाउंटर हुआ है एक घर में, जिस घर में ये ओनर थे और वो 2 इनके टेनेंट थे और एक और टेनेंट था। अब एनकाउंटर में जब गोली चलती है वो ये देख करके नहीं चलती है कि सामने कौन है, और ये दोनों के दोनों भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और साथ में पुलिस का ऑपरेशन था, आर्मी का नहीं था। पुलिस में 90% कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं, राइट। अब पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसमें, और उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। जब एक एनकाउंटर हो रहा होता है उस टाइम पे लैंडलॉर्ड को भी गोली लग गई, बुरा इफ ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, अगर वो नहीं इन्वॉल्व्ड थे किसी भी तरह के टेररिज्म में तो बहुत गलत हुआ है, और उस पर बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। लेकिन एनकाउंटर स्टेट में या जब गोलियां चलती हैं, ऐसा तो हमने देखा ना, आपके TLP का प्रोटेस्ट हुआ तो मशीन गन से आपके पुलिस वालों को मार दिया गया। पहली चीज इन्होंने बोला डेड बॉडीज क्यों नहीं दी जा रही है, तो शायद इनको खबर नहीं पता डेड बॉडी दफना दी गई थी, पुलिस ने दफनाई थी, वापस निकाल ली गई है और उनकी फैमिली को दे दी गई, ठीक है। दूसरी चीज फेक एनकाउंटर है। अभी मैंने बताया कि 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उन टेररिस्ट पे 4 में से 2 पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है, वो 2 टेररिस्ट थे और टेररिस्ट के साथ जो लोग थे वो क्योंकि उसके घर में रह रहा था। अब वो टेनेंट बता रहे हैं क्या असलियत थी, वो तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर मेरे घर में कोई टेररिस्ट रह रहा है और पुलिस एनकाउंटर करती है तो पुलिस जब गोली चलाएगी तो वो गोली नहीं देखती कि कहां जा रही है, सीधी सी बात है, क्योंकि टेररिस्ट की तरफ से भी गोली चल रही थी। ऐसे में आप नहीं बता सकते और कोई नहीं बता सकता, या ऐसा अगर पाकिस्तानी गोली हो जो कि सिर्फ ये देखती हो कि टेररिस्ट को लगेगी और इनोसेंट को नहीं लगेगी तो वो गोली हमें दे देना, हम यूज कर लेंगे। 17 साल से जेल में था एक बंदा जो कि मार दिया गया। 17 साल से जेल में क्या कर रहा था भैया? जेलर था या जेल में क्या नमाज पढ़ रहा था बैठ के? टेररिस्ट था, और वो उसने खुद बोला था मुझे सर व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज क्वाइट राइट, तो उसने खुद बोला था कि मुझे एनकाउंटर वाली साइड पे लेके जाओ। वो एनकाउंटर करीब 17-18 दिन चला था, जंगलों में था, उसने खुद बोला था कि मुझे एनकाउंटर वाली साइट लेके जाओ, मैं वहां पर जाकर के टेररिस्ट मेरे साथ ही है, मैं उनको जाकर के रोक लूंगा। जब वो टेररिस्ट को समझाने जा रहा था, टेररिस्ट ने उसे गोली मारी थी। आप अखबार पढ़िए, ठीक है, गलत नहीं है, अखबार पढ़िए। मैं उस बंदे का सारी डिटेल लेके बैठा हूं पहले से। इसके बाद पैलेट गन्स यूज होती है, बच्चों की आंखें छीन ली, बच्चे करते क्या है उसमें? पैलेट गन आर्मी घर के अंदर या पुलिस घर के अंदर जाके बच्चों को नहीं मार रही है, वहां पे वो पत्थरबाजी हो रही है वहां मारती है। बच्चे करते क्या है वहां पे, क्यों जाते हैं बच्चे? बोल चुके, अब आप बात कर लेते हैं जी। पहली चीज आप बोल रहे हैं कि हम
उसको गोली मार रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं पैलेट गन चला रहे हैं, पहले आप डिसाइड करके बता दीजिए हम चलाते क्या हैं। हमारे पास भी है, हमारे पास AK-47 भी है, हमारी आर्मी के पास सारी गन्स हैं, पैलेट गन क्यों चल रही थी, क्योंकि कोई मरे ना। दूसरी चीज, आप पिज्जा जी और आपके ये दोनों के दोनों जो गेस्ट बैठे हैं राइट, दोनों के दोनों बच्चा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पत्थरबाजी करते हैं या इनके घर के कितने बच्चे सब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में और उधर MBBS करा रहे होंगे या उनको पाकिस्तान की सर्विसेज में भेज रहे होंगे, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे। बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, वो पत्थरबाजी क्यों कर रहा है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? आप कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं? पढ़े वो और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? लाखों की तादाद में आपने अपनी भारतीय सेना, भारतीय फौज वहां पे मुसल्लत की हुई और बच्चे आगे से पत्थर भी ना उठाए अपने तहफ्फुज के लिए। रोहित आप क्या बात कर रहे हैं? कश्मीरी जवानों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कश्मीरी जवान क्यों नहीं आता? अब बच्चे क्यों पत्थर मारने आते हैं आप पूछिए, क्योंकि कश्मीरी जवान इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी ज्वाइन करके बैठा है, उनके उनको नहीं मिलती है, वो बच्चों से पत्थरबाजी करा रहे हैं। कश्मीरी जवान हमारे साथ यहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे सेब लेके आता है। अली रजा, कश्मीरी बच्चे इसलिए आ रहे हैं सामने, बच्चों से पत्थरबाजी कर रहे हैं। आपकी आपकी 4 लाख फौज बलूचिस्तान में क्या कर रही है? क्यों है 4,10,000 फौज है? अपनी आर्मी से पूछिए कितनी फौज है। क्यों आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आपको झूठ पे शर्म नहीं आ रही? और जवाब दू भाई, आप 10 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप दिल्ली की बुनियादों पे बच्चों को, अब आपका झूठ पकड़ा जा रहा है तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बोले बोले बोले, आपके पास कुछ है ही नहीं। देखिए आपके पास सच बयान करने का कुछ भी नहीं। बीच में मत बोलिए, चले बोले आपने बोला उसे हथियार ले लिए, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके पास? कोई दिखा दीजिए मुझे आप, एक रिकॉर्ड एक नहीं दिखा सकते? पुलिस वालों से हथियार लिए जा सकते हैं कभी? अच्छा, और वो भी ऐसे एरिया में ये एनकाउंटर कौन कर रहा है? ये पुलिस का एनकाउंटर था जिस एनकाउंटर पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आप बताने बच्ची रो रही थी, ये पुलिस का एनकाउंटर था। इससे पहले 4 एनकाउंटर्स पुलिस ने किए, हथियार ले लिए तो क्या पत्थर मारे वो? अच्छा सुनिए, आइए, आपने बोला कश्मीर को गुलाम समझते हैं और कश्मीर में हम जेनोसाइड कर सकते हैं, मतलब जेनोसाइड करा सकते थे अगर कश्मीर नहीं होते। जस्ट मिनट, लिसन, वी आर प्राउड ऑफ सिख, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट, और इंडिया में सबसे ज्यादा सिख है इंडियन आर्मी में। बांग्लादेश में मारे थे, आर्मी के थे क्या वो? सिविलियन नहीं थे, इनोसेंट नहीं थे क्या भाई? आपने जो कुछ वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।